सर, सबसे बड़ी उसकी गलती है कि हमने उसे कोई मदद मांगी नहीं। गलत कदम सोच रहा था क्योंकि बहुत डर गया था। ऐसा ही हुआ है मेरे साथ कि माँ बाप समझ के ही मदद करी थी, दादा दादी समझ के ही मदद करी थी। लोग तो इन आंसुओं को भी झूठा बोल देते हैं। 98.3 मिर्ची पे मैं हूँ आपके साथ शर्मा जी का लड़का विदित। रोज हम गेम्स खेलते हैं, रोज हम हंसी मजाक करते हैं, लेकिन बहुत सारे मेरे को मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे और सब मेरे को बोल रहे थे कि यार विदित, ये बाबा के ढाबा पे जो अभी चल रही हैं बातें, इसके बारे में हम क्यों नहीं कोई बात कर रहे। और मैं आपको बताना चाह रहा था कि बहुत सारे ओपिनियंस इंटरनेट पे तो हैं कि भैया इसने पैसे लूटे, इतने पैसे आए थे, तो मुझे लगा क्यों ना हम डायरेक्टली उसी बंदे को बुला लें जिस पे एक्चुअली एलिगेशंस लगे हैं, ताकि उन्हीं से हम फर्स्ट हैंड स्टोरी पता करें। मेरे साथ हैं यूट्यूबर गौरव वसन। गौरव भाई, क्या हाल है? बहुत बढ़िया है भाई, बहुत हिम्मत मिली है आप लोगों के सपोर्ट से, ये देख के कि पूरी दुनिया हमारे साथ है इसी चक्कर में, क्योंकि उनको पता है कि क्या सच है और क्या सच नहीं है। तो शायद जिन लोगों ने थोड़ा सा गंदगी फैलाने की कोशिश की, अब उन्हीं को उनका जवाब मिल रहा है कि भाई गंदगी फैलाना, नेगेटिविटी फैलाना बहुत आसान काम होता है, लेकिन नेक काम करना और किसी की दिल से मदद करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। शायद इसीलिए इतने सारे लोगों की आज तक मदद हुई नहीं है। और मैं अभी आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी आपकी बात मान नहीं रहा हूं, अभी मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछूंगा और ये दिल्ली के सवाल हैं और आपको हमें प्रूव करना पड़ेगा आज कि आप इनोसेंट। जी बहुत सारे एलिगेशन लगे हैं मेरे पे अभी पिछले कुछ दिनों में। उन्होंने बोला कि भाई अगले दिन 8 तारीख को बाबा के अकाउंट में 75,000 रुपये कैश उनके पास आए और उसकी कोई रिसीट आपने इनको दी नहीं। बाबा ने बोला ये कि आपने मेरे को रिसीट नहीं दी, पता नहीं गौरव ने वैसे जमा कराए भी कि नहीं कराए। तो भाई इसीलिए मैं उनके साथ गया था क्योंकि 75,000 रुपये की रकम उनके लिए बहुत बड़ी थी और मुझे कहीं लगा कि कहीं ना कहीं लोग इसका मिसयूज़ ना करें, कहीं ना कहीं लोग इनको टारगेट ना करें, कहीं ना कहीं कोई इन्हें पकड़ के इनसे छीना छपटी ना करें, क्योंकि आप देखते हैं कि आजकल का माहौल जो है वो इतना ठीक नहीं है। तो मैं उनको लेके गया बैंक में, मैंने 73,600 रुपये की रिसीट इनके हाथ में दी जो इन्होंने खारिज कर दी कि मेरे को नहीं मिली है। और पासबुक में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 73,600 रुपये की जो एंट्री है वो इनके नाम की 8 तारीख को दोपहर की 3 बजे या 4 बजे की है। और ये बाबा ने मना कर दिया कि उनको पैसे नहीं मिले, लेकिन एक्चुअली बैंक का स्टेटमेंट दिखा रहा है कि मिले हैं। 73,600 रुपये की एंट्री हमने अपने हाथों से कराई है एंड मैंने तो सबको ये भी बोला था कि विश्वास नहीं है तो सीसीटीवी कवरेज लो बैंक की और आप देख लो कि हमने पैसे जमा कराए हैं कि नहीं कराए। उसके बाद भाई एलिगेशन लगने लग गए, 20-25 लाख रुपये गौरव के अकाउंट में आ गए, जबकि मेरी जब शेफ़ से बात हुई, शेफ़ बरार से, और मैंने उनको बोला कि शेफ़ आप, हमने मैंने कोशिश की थी कि 35-40 हज़ार की मदद करूं, बट मदद तो छोड़िए, इन 35-40 हज़ार की मदद हो गई और इनके अकाउंट में, इनके मैंने स्पेसिफिक किया था, जो मेरे पास प्रूफ भी है आप भी देख सकते हैं, इनके अकाउंट में 20 लाख रुपये आ चुके हैं। तो वो लोगों ने कहीं ना कहीं मिसइंटरप्ट कर दिया और उन्होंने बोल दिया कि भाई गौरव के अकाउंट में 20-25 लाख रुपये आ चुके हैं और गौरव ने बाबा को पैसे नहीं दिए, गौरव ने स्कैम कर लिया, गौरव ने चोरी कर ली, गौरव ने फ्रॉड कर लिया। अरे यार आप मेरे से पूछो तो सही, आप एक बार आके ये तो बोलो भाई आपने 25 लाख रुपये का फ्रॉड किया है। बहुत आसान होता है किसी को ये बोलना कि आप फ्रॉड हो, आप चोर हो, आप नेगेटिव हो, आपने धोखाधड़ी किया है, बट आपने मुझसे आपने एक भी बार आके पूछा, बस उस वीडियोज़ पे बिलीव करने लग गए जो नेगेटिविटी फैलाना चाहते थे। बहुत दिल दुखता है भाई ये सब देख के ना, 145 वीडियोज़ इससे पहले बनाई हैं, आज तक कभी किसी के लिए फंड रेज नहीं किए, ये इनके लिए फंड रेज किए और 7 तारीख को मैसेज डालना शुरू कर दिया लोगों को कि पैसे और मत भेजिए, इनकी मदद हो चुकी है, आई हैव ऑल द प्रूफ। मेरे को एक बंदे का मैसेज आता है, बोलता है मैं 50,000 रुपये की मदद करना चाहता हूँ, आप अपना अकाउंट नंबर दे दो। जब ये सारी कॉन्स्पिरेंसी हो रही थी, कॉन्ट्रीवर्सी चल रही थी, वो मुझे मैसेज करता है भाई आपको सैल्यूट है, मैं आप ये वाला मैसेज जाके दुनिया को दिखाओ कि मैंने आपको 50,000 का मैसेज भेजा था और आपने 50,000 रुपये लेने से मना कर दिए थे क्योंकि आपने बोला था कि मदद हो चुकी है। उसके बाद क्या होता है कि मेरे को बोलते हैं कि 20-25 लाख रुपये इनके अकाउंट में कैसे है, आपको कैसे पता चला? तो भाई हम वहाँ पे जमा कराने गए थे और हमारा इतना फ़र्ज़ बनता है ये जानना कि जो इनकी मदद है वो अच्छे से हुई है कि नहीं हुई है। उसके बाद मैंने वहाँ पे जो मैम होती है उनको मैंने बोला मैम आप हमें पासबुक में ना एंट्री करके दे दो कि इनके जो पैसे हैं 75,000 रुपये की वो जमा हो चुके हैं। तो उन्होंने जब सिस्टम खोला उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और उन्होंने बोला ये नहीं हो सकता क्योंकि हम पासबुक में एंट्री नहीं दे सकते क्योंकि हमारा सिस्टम हैंग हो गया और इनका अकाउंट फ्रीज हो गया। 8 तारीख की बात बता रहा हूँ आपको, दोपहर की 3 बजे। कितना अमाउंट था उसमें उस टाइम? 20-22 लाख रुपए था बाबा के अकाउंट में। ठीक है जी। और उसके बाद, और ये ऐसा नहीं हुआ है कि आपके पास है और आपने ट्रांसफर करना था, वो डायरेक्ट बाबा के अकाउंट में गया है। और उसके बाद, और इसका प्रूफ है? उसका प्रूफ बैंक के पास है जी। मैं देखिए कोई प्रूफ किसी को नहीं देना चाहता हूँ, जो प्रूफ बैंक के पास है वो बैंक के पास ही है और 8 तारीख की दोपहर का पैसा भी बैंक के पास है। ठीक है, वो आपके सामने है, सब कुछ आपको पता चल ही जाएगा जब उनके अकाउंट की डिटेल्स आएंगे आपके सामने। बाबा बोलते हैं 10 तारीख को मैंने अपने अकाउंट नंबर दिए हैं लोगों को, 2-3 बंदों को, उससे पहले मैंने किसी को अकाउंट नंबर नहीं दिया। तो विदित भाई 8 तारीख को अकाउंट सीज कैसे हो गया अगर इन्होंने अकाउंट नंबर नहीं दिया तो, या इन्होंने कोई और IMPS की डिटेल्स नहीं दी तो? 7 तारीख को पैसे आने कैसे शुरू हो गए? सवाल लाजमी है।
और सवाल का जवाब मैं नहीं मांगता, आप मत मांगिए, सवाल का जवाब बैंक आपको दे देगा। जब इनकी डिटेल सामने आएंगी आपको सब पता चल जाएगा कितने पैसे थे। 20-25 लाख रुपए की अकाउंट की डिटेल इन्होंने उल्टी मेरे पे डाल दी कि गौरव के अकाउंट में 25 लाख रुपए आए। आज से पहले तो मैंने कभी नहीं लिए किसी से पैसे, आज से पहले तो मैंने कभी किसी के लिए फंड रेज नहीं किए, आपके लिए किए। आपने ही मेरे पे लालचन उछाल दिया और आपने ही मेरे को बोल दिया कि गौरव ने मेरी मदद नहीं की, मैंने तो उसे बुलाया नहीं था, वो क्यों आया मेरे पास चल के। बाबा मैं आपसे ये सुन के तो मतलब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि आपने विश्वास उठा दिया ह्यूमैनिटी से। वो 4-5 डेज जो थे जो इतने नेगेटिव थे आपके लिए, उस बीच में कभी भी एक बार ये ख्याल आया कि यार मैं ना आज से लोगों की मदद नहीं करूँगा, अब नहीं, अगर मदद करने का ये रिटर्न मिला है मेरे को। मतलब एक तो होता है कि चलो फल नहीं मिला, हमने तो सेल्फलेस वो करा, लेकिन एक होता है कि मदद करने के बावजूद इतना मेंटल हैरेसमेंट, नॉट जस्ट फ्रॉम वन पर्सन, फ्रॉम अ होल कंट्री। आई स्लीपलेस नाइट्स, माय मॉम एंड डैड वर क्राइंग लाइक एनीथिंग। गलत कदम सोच रहा था क्योंकि बहुत डर गया था और बहुत सहम गया था और बहुत घबरा गया था, क्योंकि लोग बहुत गंदी गंदी बातें बोल रहे थे परिवार के लिए, मेरे लिए, कि तू चोर है, तू स्कैमर है, तूने पैसे खा लिए बाबे के। अरे तुमने ये तो देखा नहीं कि वो बाबा क्या था, वो बाबा जी क्या थे पहले जब उन्हें कोई पूछता नहीं था। आपने कभी ये बोला कि गौरव भाई आपने मदद करी, बहुत अच्छा किया, आपने किसी को आगे बढ़ाया, बहुत अच्छा किया, आपने किसी की रातों रात ज़िंदगी बदली, बहुत अच्छा किया। ये लोगों ने तब बोला जब सारे लोग साथ थे, लेकिन जब एक अगेंस्ट हुआ तो दुनिया अगेंस्ट हुई। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी बोला है और देखा कि आपने उनका फॉर अ रीज़न बैंक अकाउंट बनाया था कि भैया आपको बहुत सारे पैसे आ रहे हैं अभी, तो आप इमोशनली इतना इन्वॉल्व कैसे हो गए विद बाबा एंड हिज फैमिली, क्योंकि आप उनके लिए सब कुछ मैनेज करने लगे, यू वेंट अ लिटिल बियॉन्ड। आई थिंक मैंने अभी तक किसी को ये बात नहीं बताई है, तो आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन जिसको मैं ये बात बता रहा हूँ। कि थोड़ा सा रिवाइंड में चलते हैं, आज से 15 साल पहले मेरे मॉम डैड ढाबा चलाते थे। आपके पेरेंट्स? मेरे मम्मी और पापा ढाबा चलाते थे, और मुझे वो दृश्य आज भी नहीं भूलता है कि कड़कती धूप के अंदर मेरे पापा के पैर में स्लीपर्स नहीं होते थे, कपड़े फटे होते थे, मम्मी के सर से पसीना टप टप कर रहा होता था, गर्मी होती थी 40-45 डिग्री, और मम्मी रोटियाँ सेकती थी और पापा खाना बनाते थे, 2 पतीले मसाला वसाला बनाते थे, और हमारे पास पैसे नहीं होते थे कि हम किसी को अफोर्ड करके नौकर भी रख सकें जो हमारे बर्तन भी धोए। तो ये सब करने के बाद मम्मी पापा सड़क किनारे बर्तन भी धोए हैं उन्होंने। मैं देखता था कि टिफ़िन का ऑर्डर आया बीच में एक 4,000 रुपये का, और मम्मी की आँख से आंसू आ गए क्योंकि मम्मी को लगता था कि 4,000 रुपये भी होते हैं, इतने बड़े हम पैसे आएंगे मेरे को एक ही साथ। तो जब उनको वो 4,000 मिले तो वो बहुत रोई कि मतलब कि मेरे को ये सब भी मिला, और इसीलिए मुझे कहीं लगा कि वो सब देख के मुझे लगा कि मेरे माँ बाप भी ऐसे मेहनत करते थे और करते हैं, बहुत करते हैं, हर किसी के माँ बाप करते हैं। तो इसलिए मैंने आउट ऑफ द वे जाके उनकी मदद करी और बहुत परेशानी देखी हमने, बहुत टफ टाइम देखा है लाइफ में। एक एक कमरे में हम 4 लोग सोते थे, 2 तरफ मेरे पापा और मम्मी की टांगे होती थी, 2 तरफ मेरी और मेरे भाई की टांगे होती थी। आपको कभी ऐसा लगता है क्या कि आपने पिता समझ के, माता समझ के किसी की हेल्प करी और माता पिता से एक बच्चे को धोखा मिला? ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है मेरे साथ, कि माँ बाप समझ के ही मदद करी थी, दादा दादी समझ के ही मदद करी थी। लोग तो इन आंसुओं को भी झूठा बोल देते हैं, लोग तो ये भी कहते हैं कि आपके आंसू नकली हैं। चलिए अच्छी बात है हमारे आंसू नकली हैं, लेकिन हमारा टाइम तो नकली नहीं था। जो पूरी मालवीय नगर में देखा हमारे माँ बाप को मेहनत करते हुए। अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको 1 लाइन या 2 लाइन बोलनी है डायरेक्ट बाबा को, बाबा के ढाबा के बाबा को, आप डायरेक्टली उनको क्या बोलना चाहेंगे? नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला।